हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर 7 है हिंदी फर्स्ट में अशोक का शस्त्र त्याग, ये पार्ट पढ़ेंगे। ये आपका एक नाटक है जो आपको बहुत रोचक लगेगा, तो प्लीज आप लोग अपने अपने बुक्स में ध्यान देना, ठीक है ना। इस नाटक में मगध के परम शक्तिशाली सम्राट अशोक के शस्त्र त्याग एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। कलिंग पर आक्रमण के दौरान राजकुमारी पद्मा द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर भी अशोक ने शस्त्र नहीं उठाया और भविष्य में हथियार न उठाने की अटल प्रतिज्ञा की। महान कार्य अच्छे विचारों का अनुसरण करते हैं, ये किसके विचार है? अब्राहम लिंकन, ठीक है ना। तो नाटक का पहला दृश्य आपको उसमें क्या बताया गया है, देखिए। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे, बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का क्या लगा है? शिविर लगा है। संध्या बीत चुकी है, शाम बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, यानी रात हो गई है तो आकाश में तारे चमकते हुए नजर आते हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं, शिविरों के अंदर क्या हो गया है? उजाला कर दिया गया है। किसके द्वारा? दीपक जलाकर, ठीक है। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं, उनके मुख पर चिंता की छाया है, वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वयं से, स्वयं यानी अपने आप से, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी पूर्णता जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? इसका परिणाम क्या होगा, इसको लेकर वो क्या है? चिंतित है। द्वारपाल सिर झुकाकर, द्वारपाल आता है और सिर झुकाकर कहता है, राजन संवाददाता आना चाहता है, अशोक आने दो। अशोक कहते हैं आने दो। संवाददाता प्रवेश करके, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुपचाप खड़ा रहता है, ठीक है ना। अशोक बोलते क्यों नहीं हो, तुम चुप क्यों हो? संवाददाता कहता है धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी क्या है? बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा, स्वयं यानी अपने आप करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी, जाओ हाथ से जाने का संकेत करते हैं। ये तो था आपका पहला दृश्य। अब दूसरे दृश्य में आपको बताया गया है, दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं, उनके पास उनके सेनापति हैं, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक क्या है? बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके इस दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है, कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सभी सैनिक तलवार खींचकर, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, अचानक दुर्ग का फाटक क्या हो जाता है? खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं, उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती हैं, ठीक है ना। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलते दिखाई देती है, ठीक है ना। सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में एक वीरांगना है जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात चंडी सी दिखाई दे रही है। यह कलिंग महाराज की पुत्री कौन है? पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं, अशोक भी क्या हो जाते हैं? चकित, आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं, ठीक है ना। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है, आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है, यानी उसी से तुम्हें युद्ध करना है।
तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगे। अगर हम क्या है हारेंगे, युद्ध में हार जाएंगे, तो हम अपना जीवन यापन क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। अशोक स्वयं से, यह कौन है, क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। पद्मा को देखकर कौन सोचता है, अशोक सोचते हैं कि यह दुर्गा स्वयं कलिंग की रक्षा के लिए साक्षात यानी स्वयं यहाँ पर युद्ध भूमि में उतर आई हैं। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियाँ हैं, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा, क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा, ना ना मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। कौन सोचते हैं, अशोक, ठीक है ना, मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं ये पाप नहीं करूँगा। वो क्या कह रहे हैं कि मैं ये पाप नहीं, यानी मैं स्त्रियों पर क्या नहीं करूँगा, वार नहीं करूँगा, उन पर हथियार नहीं उठाऊँगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, अपने सैनिकों से, सैनिकों स्त्रियों पर हाथ ना उठाना, आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी, किससे पूछते हैं वो, राजकुमारी पद्मा, ठीक है ना। पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ, जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई भी पैर नहीं रख सकता है। कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हत्यार, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ, ठीक है ना। अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी भी हूँ मैं, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कौन कह रहे हैं ये, अशोक के, राजा अशोक के। पद्मा, क्यों महाराज, अशोक शास्त्र की आज्ञा है, राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की यह आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग सिंदूर का सिंदूर क्या कर दो, पोछ दो, फूंक दो उस शस्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है कि तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आई हो। मैं तुमसे क्या नहीं सीखने आई हूँ, शस्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ, ठीक है ना। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ, अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठा लो, युद्ध करने के लिए क्या करने हो, तलवार उठा लो। कलिंग की स्त्रियाँ तुम्हारे तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। जो कलिंग की स्त्रियाँ हैं वो तुमसे कुछ नहीं चाहती हैं, केवल तुमसे युद्ध करना चाहती हैं, अपने पिता, अपने पति, अपने भाई, अपने बेटे का बदला लेना चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं, अशोक क्या करते हैं, सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज, मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध, आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी, ठीक है ना। अशोक, बहुत हो चुका महारानी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। अशोक क्या कहते हैं महारानी से कि अब बहुत हो गया है, अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, कभी युद्ध नहीं करूंगा, कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तलवारों को क्या करते हैं, नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज, पद्मावती कहती है कि यह क्या महाराज। अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो, आज से तुम्हारे आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। अपने सैनिकों से किसने कहा, अशोक ने कहा कि तुम अपने शस्त्र, अपने अस्त्र क्या करो, नीचे फेंक दो, आज के बाद अशोक तुम्हें कभी भी शस्त्र या किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा, फेंक दो अपनी तलवारें। वो आज्ञा देता है कि अपनी अपनी तलवारें आप लोग फेंक दो। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं जी सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना। क्या कहती है यहाँ पर वो अशोक से कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहती हूँ, मैं अपने पिता का बदला तुमसे लेना चाहती हूँ। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ, जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका है, वह आपके आगे नत है, नत है यानी अपना सिर झुका रहा है, काट दीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है, अटल है यानी कभी भी मेरी प्रतिज्ञा नहीं क्या नहीं हो सकती, टूट नहीं सकती है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। पद्मा क्या कहते हैं यहाँ पर कि अगर आपने क्या किया है, अपने शस्त्र फेंक दिए हैं, तो हम स्त्रियां भी क्या नहीं करेंगी, किसी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहेंगे। तो ये था आपका दूसरा दृश्य। अब तीसरा आपका दृश्य शुरू होता है, अशोक और उनके सभी सरदार गिरवे वस्त्र धारण किए हुए, उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि
अशोक मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। बौद्ध ये सारे क्या है, बौद्ध भिक्षु ने क्या करा, अशोक को ये सारी प्रतिज्ञाएँ करवाई। ठीक है, बौद्ध भिक्षु बोले बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। ठीक है ना, तो ये था आपका, ये चैप्टर आपका है चैप्टर 7 जो हमने पढ़ा। और बच्चों आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इस पर ध्यान दिया होगा। ठीक है ना, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे जो आपको हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में करनी है। थैंक यू।